में खवातीन होती है, उनसे पूछती हूँ अस्पताल में वार्ड होता है पीडियाट्रिक्स वार्ड, बच्चों का, इन्फेंट्स का। उसे कहते हैं बच्चे कैसे सीखते हैं, एडल्ट एंड्रागॉजी, एडल्ट कैसे सीखते हैं। अब जैसे अभी का जो हमारा सेशन हो रहा है ना सर, मैं इसको पेडागॉजी में मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, लेकिन याद रखें एडल्ट ऐसे नहीं सीखते। मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन अभी तक आप लोग बच्चों की तरह बैठे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पेडागॉजिकल लर्निंग। एंड्रोलॉजिकल लर्निंग इज, यहां कितने लोग हैं, 40 लोग हैं तकरीबन, एवरेज उम्र कम से कम भी नहीं है तो 35 साल है। 35 को 40 से मल्टीप्लाई करें कितने हो गए, 1400 साल का एक्सपीरियंस। और मैं नन्ना सा 60 साल का क्या मैं आपको सिखा सकता हूं, कतई नहीं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। मैं आपसे सीखने आया हूं और आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि आप अपना एक्सपीरियंस यहां लेकर आए कि सर जी हाँ मुझे याद आया मैंने ऐसे किया था, या ये किया था तो ये नुकसान हुआ था, या हुआ ये फायदा हुआ। तो एडल्ट्स जब भी सीखते हैं जब अपने अपने बेसिकली एक्सपीरियंस को बीच में लाते हैं। और एक अच्छे ट्रेनर काम होता है, मैं अभी तक फेल हो चुका हूं आप लोगों के पास, इसलिए आप दो पठान टकराते हैं उसे चिंगारी निकलती है तो अभी तक चिंगारी निकल रही है, अभी तक ना आप मुस्कुरा रहे, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराना शुरू किया आप लोगों। पठान ये समझता है कि दुनिया में एक खान, एक उसने पूछा तुम्हें पता है कि यार, किसी ने उसे पठान से कहा कि यार तुम्हारी नस्ल में तो कोई नबी नहीं आया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है यार, तुम्हें नहीं पता ईसा खान मूसा खान कौन है, ये मसला है। कोई परवाह की बात नहीं है सर, लेकिन मजाक की बात कर रहा हूं। We must learn and we must participate. जब भी we start doing it now, I would like to participate. तो एडल्ट कौन होता है सर? एडल्ट बेसिकली होता है जो प्राइमरली जिस दिन भी आपकी औलाद आपसे ये कहती है, जिनके बच्चे हैं, डोंट टेल मी व्हाट टू डू। किसी की बच्चियां हैं? कभी बच्ची ने कहा कि अपा मुझे बताओ, मुझे पता है मैं स्कूल में पढ़ रही हूं। है? छोटे आप बच्चे होते हैं सर, जो बड़े जाते हो कहते हैं मेन चॉइस 11:50 टाइम होती है 5 मिनट्स। तो याद रखिए इसी तरीके से आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो बीज हैं, आपके जो सीएससीज हैं, ये आपके बच्चों की तरह से आपके जूनियर्स हैं। अमूमन जब आप उनसे बात करेंगे, अगर आप असूल नहीं लेके चलेंगे पेडागॉजिकल लर्निंग के, तो यही होता रहेगा। अंकल सर मुझे पता है, हाँ सर मैं करा है, आप क्या जाने, आपके जमाने में फील्ड में जाना कुछ और था, आज मैं जाता हूँ आज जमाना कुछ और है। जो बच्चा ये कहे तो याद रखें वो बड़े नेचुरल प्रोसेस में कह रहे हैं, आपने उससे ऐसे डील करना है जैसे एडल्ट के साथ डील करते हैं। एडल्ट के साथ कैसे डील करते हैं? आपने ये किसी ने एमबीए वेमबीए किया हुआ है मैनेजमेंट में या किसी और चीज में, कैसा जिसने एमबीए किया हुआ है या बी कॉम? नहीं भूल गए, और यहाँ दालबद्दीन की तरफ एक महाजी में आगे गया था, पायलट निकल आया था, मैं उसका इन्वेस्टिगेटर था। एक मेरा एक प्रेजेंट था जो फ्लाइंग साइड से था, मैं इंजीनियर था, मैं इंजीनियरिंग साइड से उसका मतलब टेक्निकल मेंबर था। तो हम हेलीकॉप्टर वगैरह में गए, वहाँ नीचे जहाज को ढूंढा, जगह देखी, रैकेट देखी, उसकी समरी बनाई। उसके लिए मैंने एक कोर्स किया था, उसको कहते हैं फ्लाइट सेफ्टी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स। उससे मैंने एक चीज सीखी जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर किसी को अंदाजा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप आपस में गुफ्तगू शनीद करते हैं, चाहे अपने कस्टमर से किसी से, तो एक चीज कहलाती है लीडिंग क्वेश्चन।
कुछ आइडिया है कि ये लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? सही भाई आपने बता दे जो कंसंट्रेशन में हाँ, लेकिन उसकी कोई तरीका होता है। लीड क्या करते हैं आप? वो सवालात करते हैं जैसे जो बेसिकली वकील करते हैं। यदि अलाउड नहीं है कोर्ट में तो लीडिंग क्वेश्चन अगर करें तो कोर्ट में वो आ जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये कहते हैं कि कभी भी अपनी औलाद से भी अपने सबॉर्डिनेट से कभी लीडिंग क्वेश्चन मत पूछा करें। तुम गए थे या नहीं गए थे अपने आज अपने बात करने के लिए? आज तुम कस्टमर से मिलने गए थे या नहीं गए थे? लीडिंग क्वेश्चन। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यस कहेगा या नो करेगा। अगर नहीं गया और यस करेगा तो झूठ बोलेगा, ठीक है ना? तो द ओनली थिंग इज कि हम उसको फंसाना चाहते हैं। अपने छोटों को कभी मत फंसाने के लिए, उनको आपने डेवलप करना है। उसमें एडल्ट कहता है, एडल्ट के लिए सबसे अच्छा सवाल होता है एडल्ट लर्निंग के अंदर, उसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? व्हाट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन? कैसे मान पूछते हो? वेरी नाइस, वैसे आपके लिए ताली। और क्वेश्चन जब आपने बात करनी है उसको कहते हैं और open-ended questions are those which start with what, when, where and how. What, when, where and how, they are all open-ended questions. तो जब आप उसे पूछते हैं अच्छा आज कहाँ गए थे, अब वो बताएगा कब गए थे। अगर नहीं किया होगा खुद कहेगा कि सर असल में आज वाकई कहीं नहीं गया। तो at least you know he will be honest, you will develop him like this. तो from now onwards अपनी औलाद के साथ भी नहीं करेंगे और अपने सबॉर्डिनेट के साथ भी आप लोग नहीं करेंगे। आज हम उसे गुफ्तगू शरीर करेंगे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के साथ करेंगे, लीडिंग क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे। दिस वी कॉल एज एडल्ट लर्निंग। एडल्ट्स को जब आप ज्यादा उसे बोलते हैं तो एडल्ट आपसे बोलेगा नहीं लेकिन नाराज हो जाएगा, उसके काम में कमी आ जाएगी। तो अब इस बात को ज्यादा बेहतर करने के लिए हम एक कप चाय पी लेते हैं फिर वापस आते हैं। And I think अभी जैसे इस वक्त 11:15 हो गए तो हम 20 मिनट लेंगे, हम कोई 11:35 से वापस आ जाएंगे। उसके बाद 1:15 लंच, 1:15 बजे लंच होगा, तो फिर हम लंच की छुट्टी करेंगे। तो लेट्स गो एंड हैव अ कप ऑफ टी। थैंक यू।